जयपुरिजिया में मंडराया एटमी रेडिएशन का खतरा। यूएन न्यूक्लियर चीफ ने जताई गंभीर आशंका। रूसी हमले के बाद प्लांट को नहीं मिल रही है बिजली। आईएईए ने बताया प्लांट से रेडिएशन का खतरा। तो रेडिएशन का खतरा है जयपुरिजिया में, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और अगर इसी तरह से हमले होते रहे तो और ज्यादा चिंताजनक हालात हो जाएंगे। तो देखिए, एक तरफ बाखमुत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बाखमुत पर कब्जा हो चुका है, और कल हमने देखा था कि बाखमुत पर फतेह हासिल करने के बाद रूस की सेनाएं आगे बढ़ती हुई नजर आई थी। 6 शहरों पर मास अटैक हुए थे, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल थी। तो क्या अब जयपुरिजिया भी रूस के निशाने पर है, पुतिन के निशाने पर है? जयपुरिजिया पावर प्लांट पर बहुत हद तक रूस का कब्जा है, ऐसी जानकारियां, ऐसी खबरें तो सामने आती रही। आइए अब डिटेल में समझते हैं कि जयपुरिजिया के एटमी पावर प्लांट की रियल पिक्चर इस वक्त क्या है। फ्रीडम एफ से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस वक्त वहां पर किस तरह के हालात हैं? फिर जयपुरिजिया संकट, क्या एटमी रेडिएशन का खतरा है? युद्ध शुरू होने के बाद यूएन ने 6ठी बार बजाया रेडिएशन के खतरे का अलार्म। जयपुरिजिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूरोप में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसलिए यहां पर अगर हमला होता है या कोई धमाका हो जाता है तो उसका असर कितने बड़े पैमाने पर होगा इस पूरे रीजन में हम अंदाजा लगा सकते हैं। जयपुरिजिया में रूसी हमले के बाद ब्लैक आउट की स्थिति है। इस वक्त इस तरह के हालात है। हमले की वजह से एटमी पावर प्लांट में बिजली सप्लाई रुक गई है, और किसी सिविलियन इलाके में बिजली सप्लाई रुकने के तौर पर हम इसे नहीं देख सकते। पावर प्लांट की बिजली सप्लाई अगर रुक गई तो अंजाम भयावह हो सकता है। 15 डीजल जनरेटर्स के सहारे प्लांट की एनर्जी की जरूरतें फिलहाल पूरी की जा रही हैं जयपुरिजिया में। इस विकल्प से अगले 10 दिन तक ही प्लांट में बिजली सप्लाई संभव है। ये स्थिति आगे भी बनी रही तो अंजाम भयावह हो सकता है। 23 नवंबर 2022 को भी प्लांट की बिजली पूरी तरह से ठप हो गई थी, और याद कीजिए उस वक्त भी ये अंदेशा, ये खतरा जताया गया था कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई नुकसान पहुंचता है तो रेडिएशन का खतरा इस पूरे रीजन में पैदा हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मानवता पर कैसा कहर टूटेगा इसका हम अंदाजा भी लगा नहीं सकते। आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन में एटमी पावर प्लांट की स्थिति क्या है और क्यों इनको लेकर लगातार खतरा बना हुआ है, यह समझना जरूरी है। यूक्रेन में विनाश के 4 सेंटर्स का हम जिक्र कर रहे हैं। यूक्रेन में जयपुरिजिया समेत कुल 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और उन पर खतरा मंडरा रहा है इस वक्त। रूस लगातार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, यह हम देख रहे हैं। लगातार सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, और हमलों की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है एटमी पावर प्लांट्स को भी खतरा है। IAEA ने सभी 4 एटमी पावर प्लांट्स की सुरक्षा के लिए टीम लगाई है। IAEA की टीमें लगातार इन पावर प्लांट्स का दौरा भी कर रही हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम को 2400 घंटे पावर की जरूरत होती है, और पावर सप्लाई ना होने से मेल्टडाउन और फिर रेडिएशन का खतरा पैदा हो जाता है, और ये सबसे बड़ा खतरा है। बड़े खतरे का हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए डिटेल उससे भी जुड़ी। 4 में से कोई भी यूक्रेनी एटमी पावर प्लांट रशियन अटैक की चपेट में आया तो भीषण संकट तय है, ये माना जाता है। ऐसे में तिवारी जी, ये कितना बड़ा खतरा है? इससे पहले नवंबर में भी बातें हुई, और अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि खतरा हमारे सामने मुंह बाय खड़ा है। रेडिएशन का खतरा इस पूरे रीजन में एक बार फिर जताया जा रहा है। क्या यह संभव है, क्या यह मुमकिन है, या फिर रूस से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि एटमी पावर प्लांट को खतरे में डालेगा? समीर, एक बात से सहमत हूँ कि यह खतरा बहुत ज्यादा है। अगर लीक हो गया तो इसके बहाने कई न्यूक्लियर अटैक भी शुरू हो सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, जयपुरिजिया प्लांट जो है रशिया के अंडर है, और कुछ अटैक अगर होगा, लीक होगा, तो सारी जिम्मेदारी यूक्रेन के ऊपर जाएगी। लेकिन अगर लीक हुआ तो रशिया अगला स्टेप लेने में मेरे ख्याल से नहीं हिचकिचाएगा। एक चीज़ मेरे को और संभव है कि जयपुरिजिया प्लांट जो है इसे रशियन फोर्सेस के लिए सबसे सेफ जगह है। हो सकता है कि यहाँ पर अपने पूरे आर्मी और इसको रख इकट्ठा करके रखा होगा ताकि यूक्रेन वहाँ अटैक ना कर सके। तो जयपुरिजिया जो बेस बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, बहुत सेफ बन गया है।
पर कई चेर्नोबिल जैसी हालत तो नहीं करने वाला है रूस, क्या आपको नहीं लगता? रूस के अंदर, रूस के कब्जर में ना, तो रूस यहाँ कुछ नहीं करेगा, जो भी करने का यूक्रेन करेगा और रूस को बहाना मिल जाएगा कुछ न्यूक्लियर वो करने के लिए। ठीक है, फ्रीडम ऐप से सीख कर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।